हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है वैष्णवी ब्लेस फूड में। और आज मैं बनाने वाली हूँ ब्लेड पकौड़ा। तो ब्लेड पकौड़ा के लिए मैंने आलू को बॉयल कर लिया था, चिकन निकाल लिए थे, प्याज प्याज हरी मिर्ची जीरा लिया है। कढ़ाई में जीरा डालेंगे, राई 1 चम्मची, प्याज, साथ में हरी मिर्ची डाल देंगे। इन दोनों को 1-2 मिनट तक पकाएंगे। सौंफ और खड़ा धनिया लिया है मैंने, इसको भी डाल देंगे। और अब डालेंगे आलू, ये 2-3 मिनट तक पक चुके थे, तब जाके आलू डालेंगे इसमें। आलू को अच्छे से मिलाएंगे। आलू को हमने अच्छे से मिला लिया है, तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मची, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इन सारे मसालों को हम एक साथ अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स हो जाए, ताकि गैस को मंदा रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला एन अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, नमक, हल्दी, अजवाइन। तो बेसन में को हम अच्छे से मिला देंगे, अजवाइन, हल्दी, नमक को, तीनों चीज़ों को, और थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक घोल तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से ब्रेड पकौड़ा के लिए घोल चाहिए पड़ता है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो एक साइड ओर से हाथ से अच्छे से मसलते हैं इस तरीके का। देखिए हमारा घोल एकदम तैयार हो चुका है, परफेक्ट। तो यहाँ पे मसाला भी ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, तो यहाँ पे हम चटनी रख देंगे एक साइड, और ब्रेड को हम अच्छे से प्रेस करेंगे हाथ से, और एक चाकू की सहायता से इसको तिकोने, मतलब ब्रेड का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड कट चुका है। और आप अब इसी तरीके से हम दूसरा भी काटेंगे, तो इसमें हम केचप लगा के काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड केचप लगाया, दोनों साइड हम केचप लगा लेंगे, एक एक साइड, मतलब एक ब्रेड पे एक साइड, एक ब्रेड पे एक साइड। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड को केचप लगा लिया है। तो अब हम एक और चटनी रख देंगे और इसे भी उसी तरीके से हम प्रेस करेंगे, और हाथ की सहायता से इसको प्रेस कर देंगे और चाकू की सहायता से इसको काट लेंगे, जैसा हमने पहले काटा था, बस उसी तरीके से। तो ये केचप वाला बन के तैयार है बच्चों के लिए। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। और अब हम चलते हैं सैंडविच को फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, घोल भी तैयार है। तो घोल में हम ब्रेड को डालेंगे, अलट पलट करेंगे दोनों ओर से, और इसको नॉर्मल तेल में ही डालेंगे। एकदम हार्ड तेल नहीं चाहिए, एकदम गर्म, तो इस तरीके का तेल चाहिए। आप खुद देख सकते हैं, तो इस तरीके से घुमाते हुए हल्के हाथ से कढ़ाई में डालेंगे सावधानी से। और फिर ब्रेड पकौड़े को हम एक ओर से पकने के बाद दूसरी ओर भी पकाएंगे अच्छे से। अच्छे से घुमाते हुए एंड चलाते हुए जब हम अलट पलट करें, तब गैस को एकदम तेज रखें, मतलब तेज अच्छे से गर्म हो चुका हो। डालने के टाइम पे मंदा रखना है थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए हमारे ब्रेड पकौड़े एकदम बन के तैयार हो चुके हैं। हम एक एक करके निकाल लेंगे इनको, एक एक करके हम इनको निकाल लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। तो ब्रेड पकौड़ा को मैंने निकाल लिया है, प्लेट में रख लिया है। इसी तरीके से हम सारे निकाल लेंगे। अब चलते हैं इन्हें सर्विंग के लिए। यहाँ पे मैंने दही, हरी मिर्ची, पुदीना की चटनी ली है, टमाटो केचप। अगर आप किसी के साथ भी पसंद हो, आप उसके साथ ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें।